Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome again, dear students. First lecture के second part में आपको खुशामदीद दोबारा से. तो चलिए आज का lecture start करते हैं. और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम term सुनते हैं computer. Computer है क्या? वैसे तो हम रोजमर्रा जिंदगी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जरा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. तो ये जो पिक्चर आपको भी नजर आ रही है, ये एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर की पिक्चर है जिसमें आप एक मॉनिटर देख रहे हैं, एक सिस्टम यूनिट देख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर. लेकिन आज जो कंप्यूटर आपके इस वक्त हाथों में है, इसकी शक्ल काफी मुख्तलिफ हो चुकी है, लेकिन बुनियादी चीजें यही हैं. अगर आपके पास ये कंप्यूटर एक मोबाइल की शक्ल इख्तियार की हुई है, तो उसके अंदर सिस्टम यूनिट भी मौजूद है. मॉनिटर पे आप उसको देख भी रहे हैं, स्पीकर से आप सुन भी रहे हैं, और कीबोर्ड और माउस की जगह आप उसको उंगलियों से चला रहे हैं और उसमें इनपुट आप दे रहे हैं. तो ये ट्रेडिशनल एक शक्ल है, लेकिन जो आपके हाथों में वो भी यही कंप्यूटर है. तो अगर आप कंप्यूटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में जरा चलते हैं, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स. ये एक ऐसी मशीन है जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू. जो इंस्ट्रक्शन को दी जाती है, ये उसके मुताबिक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये मशीन बनाई गई है. अ कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा. अब ये चार काम देखिए बुनियादी कर रहे हैं, एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और वो जो आउटपुट हमें देता है वो चौथी चीज. तो कंप्यूटर जो है वो हमसे डेटा लेगा, उसको प्रोसेस करेगा किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में, और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकेंगे और उसको हम स्टोर भी कर सकेंगे फॉर लेटर यूज. द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कंप्यूट दैट मींस टू कैलकुलेट. कंप्यूटर कैन बी यूज्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स एट अ वेरी हाई स्पीड. अब बेसिकली जो स्टार्टिंग हुई हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो ये कैलकुलेशन से स्टार्ट हुई, कैलकुलेट करना, वहां से ये कंप्यूटर स्टार्ट हुआ. और वो कैलकुलेशन की स्पीड को जब हम बढ़ाते गए तो वो फिर कंप्यूटर की जो मौजूदा फॉर्म है, और भी काफी मुहरकात थे, तो जो कंप्यूटर की मौजूदा फॉर्म है वो हमारे सामने आई. हाउएवर द कैलकुलेशन इज नॉट द ओनली यूज ऑफ कंप्यूटर. जो बात अभी आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन अभी आजकल वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही जैसे पहले थी, आज इसके बहुत सारे मकसद आ गए, लेकिन उनकी बैक एंड में कैलकुलेशन है. ये जो अभी हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इवन इसके भी बैक एंड पे कंप्यूटर की कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से ये हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है और आप व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं. इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. पीपल यूज कंप्यूटर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम क्विकली एंड इजीली. इट हैज चेंज द वे ऑफ लाइफ. यकीनन इसने हमारी जिंदगियों को बदल के रख दिया है, और इसके बगैर आप कहीं पे भी, बेशक आप इस्लामियात के स्टूडेंट हैं, उर्दू के स्टूडेंट हैं, या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, या किसी और शोबा से आपका ताल्लुक है, या आप रूटीन के कोई बिजनेस मैन हैं, आप आज मैं देखता हूँ हर एक के पास कंप्यूटर मौजूद है, उसकी जेब में पड़ा हुआ है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इसने हमारी जो लाइफ है उसका अंदाज बड़ा डिफरेंट कर दिया है. पहले लोग किसी के घर ना आने पर नाराज होते थे, आप इसलिए नाराज होते हैं भाई फेसबुक पे तुमने मुझे मेरी पोस्ट को लाइक क्यों नहीं किया, वो इस बात पे नाराज. तो इसने हमारी जो जिंदगी है उसको काफी हद तक बदल के रख दिया है. कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉलो, ये डिफरेंट शेप्स और में ये हमें मिलता है साइजेस में, और ये इसकी कॉमन फॉर्म है. अच्छा जी, कंप्यूटर इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये चीज आ जाती है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कि एक कंप्यूटर है उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, या उसमें क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए जब आप एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं या उसको अपने इस्तेमाल में लेना चाहते हैं, तो वो क्या क्या जरूरी चीजें उसमें आप उनको चेक करें. तो जो सबसे बुनियादी चीज है वो है जी करेक्टरिस्टिक्स में, वो है स्पीड. कि आपकी जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो किस स्पीड के साथ इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको मैयर कर रहे हैं, तो ये उसकी किस स्पीड के साथ इंस्ट्रक्शंस को जो उसको दी गई है उनको कैलकुलेट करना, उनको मैयर करना, ये स्पीड कहलाता है. कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड. इट इज अ मच फास्टर देन अ ह्यूमन बीइंग्स. और ये एक आम बंदे की स्पीड से बहुत ज्यादा होता है. अच्छा, अगर आप देखें कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज से क्या मुराद है, लेकिन जिस तरह से हम
किसी भी चीज को मैयर करते हैं, आप बाजार से कोई चीज जाके खरीदते हैं, भाई इतने किलो मुझे चीनी दे दो, तो वो चीनी की मैयर कर रहे हैं आप किलो के अंदर। इसी तरह जो जिस स्पीड के साथ ये मैयर कर रहा होता है चीजों को या कैलकुलेट कर रहा होता है कंप्यूटर, वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है जो हर्ट्स में की जाती है, और वो हर्ट्स एमबी से फिर गीगा हर्ट्स तक, फिर वो टेरा तक चले जाते हैं। तो वो कितनी एक, ये हम आगे पढ़ेंगे मजीद इसको तफसील में, तो वो कितनी तेजी से, ये उसकी मेजरमेंट्स है इनफैक्ट कि कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस कर रहा है वो एक सेकंड के अंदर कितनी हजार या कितनी मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शंस को वो कैलकुलेट कर रहा है। तो इसको एक एग्जांपल, ये भी आपके सामने, फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग 759 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपसे कहो 750 को 927 के साथ जरा ज़रब दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको एक मिनट या दो मिनट लग जाएंगे। जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में जब वो कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर टोटल कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, लेकिन वही काम अगर हम कंप्यूटर को कहते तो वो विद इन सेकंड के मेरे ख्याल से 50वें हिस्से में उसको परफॉर्म कर देता। हाउएवर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ सच कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड्स के अंदर अंदर, वो इस तरह की कई हजार कैलकुलेशंस को पूरा कर लेता है। तो ये स्पीड से मुराद बेसिकली उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड होती है कि वो कितनी जल्दी उसको प्रोसेस करता है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्रोसेस से रिलेटेड है। रिलायबिलिटी, एक आम चीज है कंप्यूटर वेरी रिलायबल, द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर रिलाय ब्रेक और फेल, तो आप इस पर रिलाय कर सकते हैं जी कि अच्छा ये काम अक्सर ये कैलकुलेशन होती है। मैंने भी जब ये कैलकुलेट करने लगा तो पहले मैंने कैलकुलेटर ढूंढा कि मैं उसको जरा जल्दी से कैलकुलेट कर लूँ, तो ये एक रिलायबल मशीन होती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मीन्स दैट द कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट विदाउट एनी एरर। एरर्स आते हैं, लेकिन यहाँ से मुराद ये है कि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। एरर उसी वक्त आएंगे जब आप उसमें कोई गलती करोगे, जब आप उसको इनपुट देते हुए कोई गलती करोगे तो डेफिनेटली उसमें एरर्स आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी यहाँ पे उसी वक्त जब आपने उसको हर चीज बिल्कुल ठीक इनपुट्स दिए तो वो एरर कभी नहीं करेगा। इंसान गलतियां करते हैं लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता, उससे गलती करवाई जाती है, वो खुद कोई गलती नहीं कर सकता, उसको जैसा बनाया गया है वो उसी तरह से काम करेगा। Computer can process large amount of data and produce result accurately. अक्सर वो बड़ी अमाउंट में वो डेटा लेकर उसको बड़ी जल्दी से उसको वो हल कर लेता है। स्टोरेज, अगली जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो है जी स्टोरेज। कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। आप अच्छा खासा डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं जिसे आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल कैन यूज दिस डेटा एट एनी टाइम, आप किसी भी वक्त उस डेटा को इस्तेमाल में ला सकते हैं। वर्सटिलिटी है जिसके अंदर कंप्यूटर हर जगह इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर Computer is a versatile machine. It can perform different types of tasks. That is why it is being used in every field of life. Agar computer is used in hospital, bank, offices, and at home. तो ये कंप्यूटर चूंकि इसमें सारे काम आजकल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को versatile बना दिया है और हर जगह ये मशीन इस्तेमाल। और consistency है जिसके काम में ये थकता नहीं है। Computer works in constant way. It does not lose concentration due to heavy work. अभी बाहर से दस्तक होगी बच्चे की मेरे, तो मेरी वो कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर में कोई ऐसी दस्तक नहीं होती और वो उसको जो भी काम दिया जाता है वो उसी कंसिस्टेंसी से करता है जैसे उसने पहली दफा किया था, और हजारवीं दफा भी वो उसी कंसिस्टेंसी से उसको करेगा। फिर कम्युनिकेशन है जी। मोस्ट कंप्यूटर टुडे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर कंप्यूटर्स। तो आजकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कम्युनिकेशन के बगैर तो कोई रहा ही नहीं है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि कम्युनिकेशन के बगैर कोई कंप्यूटर काम कर रहा हो। ये भी जो हम बात कर रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन के की वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर अगर हमें ये फैसिलिटी ना देता तो हम शायद कम्युनिकेट ना कर पाते। तो ये एक इसकी बड़ी अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिकॉलिंग, कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डेटा इन फॉर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आप जो भी आपने डेटा स्टोर किया होगा उसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, उसको दोबारा से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। कंट्रोल सीक्वेंस, अब कंप्यूटर जो काम कर रहा होता है, कंप्यूटर वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ये हमारी तरह नहीं होता कि था कि बैठ जाए और अपनी मर्जी से उसमें कोई इंतखाब नहीं, इसको जो सीक्वेंस दिया गया होता है ये उससे हट कर कुछ काम नहीं करता। इट फॉलोज द सेम सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज गिवन इन अ प्रोग्राम। इसको जो एग्जीक्यूशन के लिए आपने जो एक सीक्वेंस दे दी ये उसी के तहत चलेगा, ये भी हम आगे देखेंगे। कॉस्ट रिडक्शन है जी, डेफिनेटली आजकल जो ये उस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है,
उसके मतलब वर्किंग के हवाले से, जैसे इसकी स्पीड है या स्टोरेज है या एक्यूरेसी है, ये आज एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी बन गई है कि कॉस्ट रिडक्शन के आज कंप्यूटर इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ये 10 लोगों का अकेले कर लेता है और उसमें और चीजें कुछ इन्वॉल्व होती है, लेकिन we can perform different task in less time and less cost. For example, we may have to hire many people to handle in office. Jahan office mein bahut sare logon ko hire karenge, wahi kaam hum by single person with the help of computer, ek bande ki madad se kar hum computer hamare paas acha hai to hum ek bande ki madad se kar sakte hain. Ab ye jo computer hota hai jiski ye aapne ek shakal dekhi, isme do cheeze hain. एक आ जाती है हार्डवेयर और एक आ जाता है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इनफैक्ट वो इंस्ट्रक्शन है, वो प्रोग्राम्स हैं, वो जो इसके अंदर चल रहे हैं. आजकल ये बात समझना आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया, और आज से 20-25 साल पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमें जरा मुश्किल होती थी और हम उसको वो जो इसके लफ्जी मीनिंग है वही लेते थे कि असेट जिस चीज को आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर है और जिसको नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर. हालांकि ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से है कि अगर आप जो कंप्यूटर आपके हाथों में जो मोबाइल है, मोबाइल को आपने पकड़ा हुआ है तो वो उसका हार्डवेयर कहलाता है. और जो एप्स आप यूज कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक आप यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एप्स आप यूज करें, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर है और वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने. तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मुराद है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. अब वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मिलकर एक प्रोग्राम बनाती है वो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है. डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम. हर तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जी. आप व्हाट्सएप पर काम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एमएस एक्सेल पे आप और काम करते हैं, एमएस वर्ड पे आप कुछ और काम करते हैं. तो सॉफ्टवेयर भी अब हर मकसद के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा. बाकी जो फिजिकल पार्ट है उसकी जो बॉडी आ जाती है, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. द यूजर कैन सी एंड टच द हार्डवेयर. कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिनको आप छू सकते हैं, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं. लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम है. सॉफ्टवेयर इज अ सेटअप. अब अगर इसका रिलेशनशिप आप देखें तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मैं बुक अभी फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट ये एज अ नोट्स है. मैं अभी थोड़ी देर में आपको बुक्स का भी यही मुशाहिदा करवाता हूँ. तो बुक्स में भी ये चीजें मौजूद हैं, आप वहां से स्टडी करें तो अगर आपका जहन मजीद खुलेगा. लेकिन थोड़ी आसानी के लिए फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको यहाँ से लेके चल रहा हूँ. अच्छा जी, रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर व्हाट टू डू. सॉफ्टवेयर इनफैक्ट वो होता है जो बताएगा हार्डवेयर को करना क्या है. अब सॉफ्टवेयर तो है, हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर ऑर्डर किसको करे. हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं, उसको बताना है तो काम कैसे करे. तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम और मुलजूम है. The hardware cannot perform any task without software. और software क्या है? The computer hardware to do. वो उसे जब तक hardware नहीं होगा software से कुछ कह नहीं सकेगा. The software cannot be executed without hardware. Software hardware के बगैर execute नहीं हो सकता और hardware software के बगैर instruction नहीं ले सकता जो उसको ऊपर अमल दरामद कर सके. अब जनरल से मुआजना की सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जबकि हार्डवेयर या फिजिकल पार्ट्स हैं. सॉफ्टवेयर को आप एग्जीक्यूट करते हैं जबकि हार्डवेयर वो परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, वो उसके कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क. तो एक मुआजना सा है डिफरेंस दोनों के. आगे चलते हैं जी कुछ बेसिक टर्म्स हम जो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई दो टर्म्स होती हैं, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो डेटा और इन्फॉर्मेशन से मुराद हम एक ही चीज लेते हैं. हमें कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने बताया कि फलाने का ये काम हो गया, फलाने का ये बात हो गई, तो हम इसे इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसी को डेटा भी कहते हैं. लेकिन कंप्यूटर में इसमें बड़ा थोड़ा सा फर्क है. डेटा हम ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसे फैक्ट्स को कहते हैं जो अभी तक प्रोसेस ना हुआ हो, जो अभी तक किसी के साथ कंपेयर ना किया गया हो. जब आपने किसी डेटा को कंपेयर कर लिया और उसके नतीजे में कोई बात अखज की तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है. अब देखिएगा, डेटा क्या, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा. जो आपके पास कलेक्शंस हैं, द वर्ड रॉ मींस दैट फैक्ट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग. और डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग. डेटा आप कंप्यूटर को देंगे और वो आगे प्रोसेस. की एग्जाम्पल से क्या, स्टूडेंट फिल इन एडमिशन फॉर्म. व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स. दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम होगा, फादर नेम, एड्रेस, पर्पस होगा.
ये लोग क्यों एडमिशन ले रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट कलेक्ट्स द डेटा ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द सेंसस, यानी कि वो मर्दमशुमारी के दौरान वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब हमने स्टूडेंट से फॉर्म फिल करवाए, उसमें उसने अपने मार्क्स डाल दिए, ये हमने सारा डेटा कलेक्ट किया। अब जब इसको कंपेयर करके बताते हैं जी कि फलां स्टूडेंट इनमें टॉप पर है, उसके नंबर सबसे ज्यादा है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है डेटा की, होता है डेटा ये उससे हम उसको ऑर्गेनाइज किया गया होता है, उसमें से कोई हमें नतीजा निकाला होता है। इट इज अ मोर मीनिंगफुल देन डेटा एंड इज यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, और ये ज्यादा जो है ना मीनिंगफुल होता है, जिससे आप अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। डेटा is used as input for the processing, information is the output of the processing. इसको भी कहा जाता है कि data जो input है और information उसकी processing के बाद जो output होती है वो कहलाती है। इसकी एक example और भी आप ले लें कि अब in college, the university, the raw facts about students are stored in admission forms. If we want to find out a list of all students who live in Faisalabad, we will apply some processing on this data. This processing will give us the डिजाइन लिस्ट। अब आपके पास डेटा मौजूद है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ का रहने वाला है, वो डेटा होगा तो आप उस पर से कुछ चीज अखज करेंगे ना। तो इसलिए आपके पास में जब डेटा आ जाएगा, आप उस पर कुछ कुछ प्रोसेसिंग करके और ये कुछ भी आप उस पर इंफॉर्मेशन, आप ये जानना चाहते हैं जी कि इसमें स्टूडेंट्स मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, अच्छा इस एज के कितने हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस डेटा से ही मिलेगी। तो मजीद भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखिएगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है, ये कैसे हो रहा है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, स्टोरेज है, ये बिल्कुल हमारी तरह है, जैसे इंसान काम कर रहा है कंप्यूटर भी उसी तरह से काम कर रहा है। अब इंसान भी सुनता है, इनपुट लेता है, देखता है, इनपुट लेता है, किसी चीज को टच करके इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है अपने दिमाग में और फिर मुंह से बोलकर या हाथों से उस पर अमल दरामद करके उसका आउटपुट देता है, उसको स्टोर भी करता है, याद भी रखता है कि ये काम हुआ था। इसी तरह ये जो इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होने के बाद हमें मिलती है, डेटा दिया जाता है, तो ये उसमें ये चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो साइकिल है उसमें इनपुट आता है, द फर्स्ट स्टेप टू ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इनपुट, आप कुछ ना कुछ इनपुट देते हो, द कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा इन द स्टेप, डेटा कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स, उसने वो सारी इनपुट ली, अब उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा। और प्रोसेसिंग के लिए जब आपने कंप्यूटर को कुछ इनपुट दिया, द सेकंड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेसिंग, इट कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी स्टोर्स परफॉर्म इन डेटा रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू। अब यहाँ रैम से मुराद, इसको भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग, आपने डेटा को जब कोई इनपुट दे दिया, अब उसने उसको प्रोसेस करना है तो वो कहीं पर रखेगा ना उसको प्रोसेस करने के लिए, तो वो जहां पर उसको जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है वो उसके रैम कहलाती है, जहां पर उसको वो रखता है उस डेटा को जो आपने उसको दिया, उसको रख के उसको फिर प्रोसेसिंग के नतीजे में फिर उसका वो आउटपुट देता है। जो वो आउटपुट जो थर्ड स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, द रिजल्ट ऑफ प्रोवाइडेड जो होता है, और वो आउटपुट आप अगर परमानेंट स्टोर करना है तो किसी चौथी, यानी कि जो स्टोरेज है, द फोर्थ स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज द स्टोरेज, तो आप उसको किसी स्टोरेज पर रखते हैं। इट स्टोर्स डेटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यूज बाय द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये स्टोरेज जो होती है वो जगह जहां पर आप उसको परमानेंट रखते हैं, ये क्या होती है इसको हम देखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नजर बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये जो अभी हमने कंपोनेंट्स देखे हैं, जो कंप्यूटर की हमने एक शक्ल देखी है और इस शक्ल पे इसके हमने कुछ कंपोनेंट्स देखे थे, कुछ इनपुट डिवाइसेस थी, जरा इसको एक दफा दोबारा देख लो यहाँ पे। तो ये इसकी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, फिर प्रोसेसिंग करता है सिस्टम यूनिट और हमें वो मॉनिटर के फॉर्म में या स्पीकर में वो हमें आउटपुट दे देता है। पीछे आ जाते हैं जी, तो ये जो कंपोनेंट्स आ गए, पहले हमने सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स पर। ओ इसको हम यहाँ पर, मैं एक मिनट इसको शामिल कर लेता हूँ, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, हमने डेटा इंफॉर्मेशन पढ़ा, करैक्टरिस्टिक्स पढ़े, करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी,
उसके बाद हमने डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कंपोनेंट्स आ गए, डेटा इंफॉर्मेशन आ गई, कंप्यूटर कंपोनेंट्स आ गई। ये स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही होगी लेकिन मैं साथ इसको सेव कर रहा हूँ, करते जा रहे हैं, फिर मैं आपसे शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनपुट डिवाइसेस द डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं जिसके ऊपर फिर वो आगे काम करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट हमें कुछ ऐसे चाहिए होते हैं जो हमें इनपुट देने के काबिल बनाए, वो जो हार्डवेयर होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट, इट कंटेन अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक एंड अदर कीज। देखेंगे आप, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो किसी भी पूरी हमारी स्क्रीन के ऊपर, अब मेरा कर्सर यहाँ पर है, ये यहाँ पर गलती हम पॉइंट कर रहे हैं किसी चीज को, इट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन के ऊपर, ये जो हमारा पॉइंटर इस पे चल रहा है ये इसको कंट्रोल करता है और ये भी इनपुट का बायस होता है। उसके बाद आ जाते जी माइक्रोफोन है, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वेब कैम, ये सारी चीजें माइक्रोफोन से, मैं भी बोल रहा हूँ तो ये मेरी इनपुट जा रही है माइक्रोफोन से, अगर मैं कोई पिक्चर स्कैन करना चाहता हूँ तो वो स्कैनर की मदद से आपके पास पहुंच जाएगी, डिजिटल कैमरा है, वेब कैम से। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, टच पैड्स, ये हमारे, इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद उसको प्रोसेस उसने किया और फिर हमें आउटपुट डिवाइसेज आ जाते हमारे पास, जिसमें हम मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये हमारे पास कहेंगे डेटा जो प्रोसेस्ड होगा और हम उसको इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे या उसको इस्तेमाल कर पाएंगे तो वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। और इनपुट लेने के बाद उसने उसको प्रोसेस किया था सिस्टम यूनिट में, इसको भी आप आगे बड़ी डिटेल में देखेंगे और ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा चूंकि कंप्यूटर की ये जान है। तो सिस्टम यूनिट इज अ केस दैट कंटेन्स डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो हमें एक डब्बा सा नजर आ रहा था जिसे हम पूरे को सिस्टम यूनिट कहते हैं, इनफैक्ट ये सीपीयू नहीं कहला था, ये सिस्टम यूनिट, इसके अंदर जो चीजें होती हैं ये हमारे पास मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा सीपीयू लगा होता है जो कि इसका ब्रेन कहलाता है, और ये मेमोरी ये भी सिस्टम यूनिट के अंदर आ जाती है, और इसी मेन चीज इसमें जो सबसे पहले आ जाती है वो मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर ये सारी चीजें इंस्टॉल्ड होती है, मेमोरी पीसी के ऊपर लगी होती है। अगर तो हम लाइव ये लेक्चर ले रहे होते क्लास में तो फिर मैं आपको ये खोल के भी दिखाता जब आप प्रैक्टिकल इसका करते। बहरहाल इसको खोलना भी आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, दो पेज होते हैं वो आपने खोला और इसको अंदर से आप देख सकते हैं, और काफी सारा काम आप खुद कर सकते हैं। आप इसकी रैम को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी पावर सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी हार्ड डिस्क वगैरह को चेंज कर सकते हैं, तो कोई चीज एक्सटेंशन स्लॉट आपने कोई वीजीए कार्ड लगाना है वो आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास मदरबोर्ड होता है। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट, द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन द सिस्टम यूनिट्स आर कनेक्टेड टू अ मदरबोर्ड, सब कुछ मदरबोर्ड से जुड़ा। मदरबोर्ड इज अ नाउन एज अ सिस्टम बोर्ड और मेन बोर्ड, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। सिस्टम बोर्ड इज अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, ये कम्युनिकेशन मीडियम होता है, बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं। अब अगर मेमोरी रैम ने हार्ड डिस्क से बात करनी है या सीपीयू से बात करनी है या किसी और से बात करनी है तो वो मदरबोर्ड से मुंसलिक होता है और सारी कम्युनिकेशन थ्रू बोर्ड हो रही होती है, जिसके में सीपीयू आ गया, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, हम शॉर्ट फॉर्म में इसे प्रोसेसर कह देते हैं। इट इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी क्या होती है जी, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरीली इज कॉल्ड मेमोरी, टेम्परेरीली स्टोर करती है इसको। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर डेटा, ये वो है। अभी मेमोरी भी स्टोरेज डिवाइस है, ये जो मेमोरी हमने पढ़ी है इसमें भी स्टोर है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है। इसकी कुछ एग्जाम हम पढ़ेंगे जो परमानेंट होती है वो क्या है, लेकिन जो परमानेंट स्टोरेज, जब हम स्टोरेज कहते हैं तो इससे मुराद हमेशा परमानेंट होती है, और जब हम मेमोरी कहते हैं वो भी स्टोरेज होती है लेकिन वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है कहना। तो स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास जो सबसे पहले चीज होती है जो कंप्यूटर्स में इंस्टॉल होती है वो हार्ड डिस्क कहलाती है, हार्ड डिस्क है। इसके अलावा आप यूएसबी फ्लैश उसके साथ लगा सकते हैं, हमारे पास सीडीज होती है, हमारे पास सीडी या डीवीडीज है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, और ये मेमोरी कार्ड होता है, आजकल बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फोन्स में। तो ये सारे क्या है, ये स्टोरेज की एग्जाम है जहाँ पर आप परमानेंट इसको स्टोरेज कर सकते हैं। इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल में कि इसमें जो चीज पड़ी हुई है वो
लाइट ऑफ होने से, बिजली जाने से वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो इसमें स्टोर रहेगी। जबकि जो मेमोरी होती है ये वोलेटाइल कहलाती है, और इसमें जो चीज़ होती है वो जो लाइट जाएगी, तो अगर आप मैं भी काम कर रहा हूँ तो इस दौरान अगर मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है तो भी इसमें जो चीज़ जो अभी स्क्रीन पे खुला होगा ये सारा कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी मेमोरी में। कम्युनिकेशन डिवाइस है जी, कंप्यूटर की जो कम्युनिकेट करते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कंप्यूटर किसी और के साथ कम्युनिकेट करे तो उसके लिए मुझे कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जरूरत है। द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये है जी कम्युनिकेशन डिवाइसेज, जिसकी मदद से आप एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, जैसा कि हमारा वाई फाई कार्ड आजकल ये बहुत है। आप जब कंप्यूटर अपना सॉरी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वाईफाई हार्डवेयर इंस्टॉल्ड होता है, अगर वो ना हो तो आपका मोबाइल किसी भी दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सके। तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसको सीएनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसको कहा जाता है, जो पहले होता था जिसमें हमारी केबल प्लग होती थी, अब उसने वाई फाई कार्ड की शक्ल तैयार कर ली है। ये भी आप कम्युनिकेशन में ये दोनों मीडियम्स पढ़ेंगे, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम, ये आप कम्युनिकेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था जी हमारा आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जाना, और इसमें आउटपुट इनपुट डिवाइसेस को देखा, डेटा को जाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है लेकिन मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैंने रखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ इसी में है। शेयरिंग में आ जाता हूँ, शेयर में आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो चीजें मुझे मिल गई हैं तो मैं इनको भी शामिल कर लेता हूँ। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये एक बड़ी मशहूर टर्म है आजकल जॉब्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू इन अदर प्लेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्निक जिससे आप इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं थ्रू हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से। मैं यहाँ पर घर में बैठा हूँ और आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये एक टेक्नोलॉजी की मदद से है। अब ये इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी जरा देखें कि मैंने अगर आपसे कुछ बात करनी है तो ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको भेजनी है। अब ये कैसे होती थी इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती थी, इसका जरा पुराना दौर याद कीजिए कि एक कासिद होता था, वो इंफॉर्मेशन पैगाम लेकर घोड़ों पे सफर करता हुआ दूसरी जगह जाता था। फिर इस इंफॉर्मेशन की इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी अपग्रेडेशन आई, डाक का निजाम आ गया, फिर थोड़ी सी मजीद इसमें आई जब नेटवर्क्स वगैरह आए तो ईमेल वगैरह आ गए। तो अब ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की कैसे काम कर रही है कि एक क्लिक पे आप अपने अपने घरों में बैठे हैं और व्हाट्सएप पे हम फौरी तौर पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। अब ये वो कैसे रहा है, इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप वहां पे सुन रहे हैं, आप वहां से कुछ क्यों नहीं करते, मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, ये कैसे हो रही है, बीच में क्या चीजें हैं, वो है हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स जो ये सारी हमारी कम्युनिकेशन को मुमकिन बना रहे हैं। अब इस कम्युनिकेशन की वजह से हमारी जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है कि इंफॉर्मेशन की ये जो मौजूदा शक्ल है, ये जिसमें मैं यहाँ से बैठकर आपके साथ अपने अपने घरों में, बेशक आप में से कोई सोचा इंग्लैंड बैठा हुआ है उससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये हो कैसे रहा है, ये जरा इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं इसमें न्यू शेयर में आता हूँ और कुछ पिक्चर्स हैं,
अच्छा जरा इस पिक्चर्स को देखिएगा, ये टेलीफोन घर का एक टेलीफोन है, ठीक है। अगर आपके घरों में आज लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो ये पहले लगा होता था, काफी सारे घरों में अभी भी है। इसी की जगह मोबाइल से भी मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैं अभी कोटली की बात करूँ, मैं कोटली में बैठा हूँ, तो ये मेरे ये जो घर का टेलीफोन है इसकी तार आ रही है और बाहर एक खंबा सा लगा हुआ है, ठीक है, जिसे डीपी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कहा जाता है, ये वहां से आ रही है। अच्छा वो जो खंबा है उसे काफी सारे घरों में ये इसी तरह से टेलीफोन की ये लाइन जा रही है। यहाँ से ये एक मेन इनका पॉइंट होता है, इसे कहते हैं डब्बा सा होता है, अक्सर ये यूनिवर्सिटी के बाहर आप देखें वहां पे लगा हुआ है, ये पूरे मोहल्ले के लिए एक होता है, रैक इसे रेन कहते हैं, भी मुझे जहन में नहीं आ रहा। तो यहाँ से ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर जा रहा होता है, वहां से एक केबल जा रही होती है जो SCU, अगर हम यहाँ पे कोटी की बात करें तो SCU में जा रही है, और अगर पाकिस्तान में तो PTCL के उस ऑफिस में जा रही है जो एक्सचेंज कहलाता है, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, कोटली एक्सचेंज है। तो ये कोटली एक्सचेंज से एक तार आ रही है मेन एक मोहल्ले के उस पॉइंट पर, वहां से फिर ये डिफरेंट पॉइंट्स पर जा रही है और वो घर में जा रही है। तो यहाँ तक तो कनेक्टिविटी पॉसिबल है। अब इस एक्सचेंज से होती हुई अगर आप एक तरफ की बात करें तो यहाँ से हम लोग ब्लाडी एक्सचेंज पहुंच की तार जा रही है, मतलब वायर जा रही है, फिर ये करते करते आप जो है ना पहुंच गए हैं मीरपुर, मीरपुर से आप लाहौर पहुंच गए, वहां से आप करते करते कराची पहुंच गए। तो ये कराची तक हमारी केबलिंग है, ये वो हाई स्पीड मीडिया लिंक्स हैं जो हमें ये सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा यहाँ तक कराची तक पहुंच गए, कराची से आगे क्या हो रहा है, कराची से आगे हम समंदर आ गया। अब समंदर से ये जो हमारी केबल्स हैं ये दूसरे मुल्कों के साथ कनेक्टेंगे। देखिएगा ये इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, पर ये देखिए ये लोग इस समंदर में केबल डाल रहे हैं और ये उसका एक मैप है। अगर आप यहाँ से बात करें, ये पाकिस्तान है, तो ये देखिए ये हमारे समुंदर के साथ केबलिंग हुई है और पूरी दुनिया इस वक्त ये हाई स्पीड मीडिया लिंक के साथ कनेक्ट है। ये वजह है कि मैं यहाँ से कहता हूँ आए तो आप उधर से सुनते हैं, जी सर आए, ठीक है। तो ये वो लिंक्स हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन, जिसका यहाँ पे भी जिक्र हुआ था। अच्छा जी न्यू शेयर पे आते हैं, वापस आ जाते हैं की तरफ, ठीक है। ये था विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। अब उसी की जगह आप मोबाइल की अगर बात करें, दोबारा से वो पिक्चर जहन में लाएं, तो मोबाइल आपके हाथ में है, वो एक टावर के साथ कनेक्ट है, वो टावर एक दूसरे टावर के साथ कनेक्ट है, वो तीसरे के साथ कनेक्ट है, और ये करते करते यहाँ से हम पिंडी इस्लामाबाद और फिर वहां से लाहौर और कराची तक की कम्युनिकेशन वाली वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम कनेक्ट है। ये आप आगे वायरलेस में भी देखेंगे, जहाँ वायर्ड है उसी के पैरेलल वायरलेस नेटवर्क भी आ गया। तो अब इसमें जो ग्लोबल विलेज की एक टर्म आ जाती है वो कि अब फासले नहीं रहे, आप अपने घरों में बैठे हुए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और ये ग्लोबल विलेज की एक फॉर्म है कि जैसे एक गांव होता है छोटा सा और उसमें बाजार होता है और उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तकरीबन गांव का हर बंदा दूसरे को जान रहा होता है, तो वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है लाइक अ विलेज, ये जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है इस तरह से गाँव में हर बंदा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो ये आजकल ये एक पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गई। इस इंफॉर्मेशन पे प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, इसने हमारे इम्प्रूव, आप घर बैठे हुए अपने आप को मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं, घर बैठे हुए हमें भी पढ़ रहे हैं और लेक्चर्स ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक एक इसका एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक हैज इनेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। ये टर्म है डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद ये है कि जब दो कंपनीज अपना डेटा शेयर करती हैं, ठीक है, आजकल अगर आप बैंक में जाते हैं ना तो बैंक वाले आपका आईडी कार्ड लेकर आपको वेरीफाई करते हैं नादरा से, बैंक अलादा इरादा है अदारा है और नादरा जो है वो इकलादा से अरादा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने क्या किया हुआ, वो आगे उनसे उनको उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है जहां पे जाके उसको वो वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये दो अदारे आपस में डिजिटली कन्वर्ज हो गए, ये इसका मतलब है कि जब आप दो अदारे अपनी इंफॉर्मेशन को मर्ज कर लेते हैं तो ये डिजिटल कन्वर्जेंस कहलाती है। आज आपके पास एक एटीएम है, आप उसमें किसी भी बैंक का कार्ड डालते हैं तो उस पर आपको विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक डिजिटली
वो तमाम लिंक्स आपस में कन्वर्ज हो चुके हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होंगे और आजकल आपके हाथों में कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, मैंने भी आपको पिक्चर दिखाई जिसमें कि सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपकी एक नेटवर्क कहलाता है। नाउ हाउ इज द कैपेबिलिटी ऑफ समथिंग प्रॉपरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाउ हाउ इंक्लूड द फेमिलरिटी विद द टूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड द इंटरनेट एज वेल एज, तो ये चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपको फेसबुक का इस्तेमाल आता नहीं या व्हाट्सएप का इस्तेमाल आता नहीं, वो चीज़ तो मौजूद है लेकिन आपको उसकी नाउ हो रही है, तो जब ये चीजें आपको पता होंगी तो आप इनको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ये सर जी हमारा फर्स्ट लेक्चर, उम्मीद है कि आपको काफी सारी चीजें इसमें समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप क्लास के दौरान भी मुझसे पूछ सकते हैं और आप व्हाट्सएप पे बाद में भी लेक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।